बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ब्यूटीफुल आस्तीन बनाना बताएंगे। ये आस्तीन बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी इसे एक ही बार में बना लेगा। आस्तीन की कटिंग कर ली है, आस्तीन की मोरी फोल्ड कर ली है, इस पर तुरपाई कर ली है। 4.5 इंच का निशान लगाएंगे, 4.5 इंच यानी 4.5। इस निशान को सीधा कर लेंगे। यहां से 1 इंच का निशान लगाएंगे। अब 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ऐसे ही हमें पूरे में 3 इंच पर निशान लगाना है। ये निशान हमें सीधे कपड़े पर लगाना है, उल्टे कपड़े पर ये निशान हमें नहीं लगाना है। इन निशानों को सीधा करेंगे। आस्तीन की लंबाई अपने नाप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने आस्तीन की लंबाई 22 इंच ली है। स्टार्टिंग में आस्तीन की चौड़ाई बताना भूल गई थी। आस्तीन की चौड़ाई 20 इंच है। आस्तीन की चौड़ाई 24 इंच ले सकते हैं ताकि फिटिंग की सिलाई लगाने में आस्तीन टाइट ना हो। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। अब ये जो बॉक्स है इसके सेंटर से हमें नहीं पकड़ना है, सेंटर से थोड़ा कम इस तरीके से पकड़ते हुए कपड़ा फोल्ड करना है। सिलाई लगाएंगे। ये हमने एक सिलाई लगा ली है, अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब हम इस साइड प्लेट डालेंगे। इस तरीके से हमें ये कपड़ा पकड़ना है। इस तरीके से ये हमारी बॉक्स प्लेट बन जाएगी। सिलाई लगाएंगे, दूसरी सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगा दी है। ये एक बॉक्स प्लेट तो बन गई, ऐसे ही हमें सारी प्लेट्स बना लेना है। अब जब हम दूसरी प्लेट डालेंगे, यहां से हमें थोड़ा सा गैप रखना है 2 पॉइंट का, और सिलाई लगाना है। अब दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब हम इस साइड प्लेट डालेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। एक प्लेट हमें इस साइड डालना है और फिर दूसरी साइड हमें प्लेट डालना है। इस पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम एक बूट की लगा रहे हैं। ध्यान रहे जब हम प्लेट डालें तो इसमें 2 पॉइंट का गैप जरूर रखें। देख सकते हैं 2 पॉइंट का गैप इसमें आ रहा है। अगर हम प्लेट डालते टाइम इसमें गैप नहीं रखेंगे तो ये प्लेट्स मिक्स हो जाएंगे और डिजाइन पता नहीं चलेगा। दूसरी सिलाई लगाएंगे एक बूट की। बहुत ही आसान है ये प्लेट डालना। पहले हम एक सिलाई लगा रहे हैं, अब हम दूसरी सिलाई लगा रहे हैं। ऐसे ही हमें पूरी आस्तीन में प्लेट डाल लेना है। प्लेट्स डल गई हैं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर थोड़ा ज्यादा और कपड़ा होता तो इसमें एक प्लेट और डाल लेते। अगर इसमें अब एक प्लेट और डालेंगे तो आस्तीन की जब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो आस्तीन टाइट हो जाएगी। हमारे नाप के हिसाब से ये आस्तीन ठीक है। अगर आपको आस्तीन की मोरी चौड़ी चाहिए है तो आस्तीन की जो चौड़ाई है वो 24 इंच ले। ये प्लेट्स डल गई है। अब आस्तीन की साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे।
फिटिंग की सिलाई लग गई है, आस्तीन को सीधा करेंगे। ये खूबसूरत आस्तीन बनकर तैयार है। ये डिजाइन बिल्कुल न्यू है।